एक 9 तारीख को नोटिफिकेशन निकलता है जिसके तहत 1496 पोस्टें निकलती हैं कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे। उसमें हम देख सकते हैं कि काफ़ी सब्जेक्ट हैं जो काफ़ी सब्जेक्ट हम देख सकते हैं निकले हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि संस्कृत जैसा सब्जेक्ट जिसे मातृभाषा कहा जाता है हर एक लैंग्वेज का, हर एक भाषा का, उस सब्जेक्ट को मान्यता नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्या हमारे जम्मू कश्मीर में या यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती? हमारे जम्मू कश्मीर में सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है, हर एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत डिपार्टमेंट भी है, यहाँ PhD कर रहे हैं, नेट कर रहे हैं, विद्यार्थी सेट कर रहे हैं, PG हो रही है। लेकिन जब ये बात आती है सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराने की, तो ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता। इसके पीछे ज़रूर ही कोई सोची समझी साजिश का हमें दिख रहा है, क्योंकि प्रपोजल बनते हैं, प्रपोजल बना है 95 वैकेंसीज का, लेकिन वो प्रपोजल जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो वो संस्कृत का जो सब्जेक्ट है वो उसे हटाया जाता है। हायर एजुकेशन में कौन लोग बैठे हैं जो संस्कृत के इतना विरोध कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। और ये सभी स्कॉलर्स का, सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन है यहाँ जम्मू कश्मीर के प्रशासन से कि संस्कृत के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है।